सहारनपुर में सोमवार को 4 जमातियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने उन क्षेत्रों को सील कर दिया है जहां ये जमाती गए थे, जिसके चलते इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दवा और अन्य जरूरी सामान घरों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के लोहानी सराय व बकरीवाला चौक को सील किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आए आंध्र प्रदेश के 2 जमाती इन क्षेत्रों की 5-6 मस्जिदों और एक घर में भी गए थे, इसलिए इन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही माहीपुरा से भी एक जमाती पॉजिटिव मिलने पर उसे भी सील कर दिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों को सील करने के साथ ही कोरोना संक्रमित जमातियों के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। सील किए गए क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। मस्जिदों व क्षेत्रों को भी सैनिटाइज करा दिया गया है। स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर जमातियों के संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी करेगी। देखिए, अभी तक जब तक सहारनपुर में कुल 5 पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको फतेहपुर CSC में जो कोविड लेवल 1 का हॉस्पिटल है वहाँ पर रखा गया है, और बाकी जो नए केसेज आए हैं उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं 34 लोगों को अभी तक उनका हम लोगों ने सैंपल लिया है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके सिवा और भी उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी तलाश जारी है। पूरे एरिया को हम लोगों ने सील किया है और वहाँ उनको उसको सैनिटाइज कराया गया है। कितने इलाकों का सील किया गया? मैंने बताया थाना क्षेत्र कुतुब शेर, थाना क्षेत्र मंडी और माहीपुर, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ के एरिया को हम लोगों ने सील किया है, और अब वहाँ पर किसी आदमी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। वहाँ पर जो भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई है वो हम लोग अपनी टीम लगाकर और डोर टू डोर होम डिलीवरी उसमें कराएंगे।